तमाम मैन आज के शो में आपका स्वागत है और आप कुछ न्यूज लाने के लिए बोलो और हम ना लाए ऐसा होता तो नहीं है। सो आज भी ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई जाबा को कार्ड साइनिंग हो चुका है, एक वीडियो ले आओ। ले आते हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है अबाउट हिम, और भी कुछ नया स्टैट्स देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल दूं, जो भी लोग देख रहे हो जाबा को के बारे में मैंने एक बहुत स्पेशल डेटा लेके आया हूँ जो वीडियो के एकदम लास्ट में बोलूंगा। सो स्टिक आउट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ताकि आप लोग मिस ना करें वो स्पेशल स्पेशल न्यूज और स्पेशल डेटा, या एक बोनस फैक्ट भी बोल सकते हो। सो व्हाटएवर यू कैन टेल इट विल बी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो चलो भाई शुरू करते हैं। तो मिचेल जाबाको का अनाउंसमेंट आज हो गया था, जैसे मैंने 3 वीक पहले ही कह दिया था कि मिचेल जाबाको विल बी द न्यू प्लेयर। तब 50-50 रूमर था क्योंकि एंजेल ग्रासिया से न्यूज आया था। अब वो न्यूज प्रूव हो चुका है, मैं बार बार बोलता हूँ एंजेल ग्रासिया दिन के दिन अ गुड सोर्स ऑफ इंडियन ट्रांसफर न्यूज होते जा रहे हैं। और उनका ये न्यूज था कि बुर्गोस एफसी से आने वाले हैं मिचेल जाबाको। बुर्गोस एफसी में वो खेलते थे, ट्रांसफर फी से उनको ले आ जा रहा है दिस 34 ईयर ओल्ड प्लेयर, जो मिचेल जाबाको 34 ईयर ओल्ड है, उनको ले आने के लिए ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर मार्केट 1.64 करोड़ रुपीस लगे। बट वो मुझे ठीक नहीं लगता क्योंकि 1.6 करोड़ रुपीस शायद ना लगे, वो उनका मार्केट वैल्यू है। बट ट्रांसफर फी कितने में हुआ इट्स स्टिल अ डिस्क्लोज फी, बट 2 साल का डील हुआ है मोस्ट प्रॉबली। बट देखो मिचेल जाबाको कौन पोजिशन में खेलते हैं, इज अ प्रॉपर सेंटर बैक, और उसके अलावा भी वो कौन पोजिशन में खेल सकते हैं, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक ऑल्सो, जो उनका बैकअप पोजिशन है। बट किस किस क्लब के लिए खेल चुके हैं आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने पिछले वीडियो में कहा था आज भी कहूंगा, He is a player जो एथलेटिको मैड्रिड के एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं। एथलेटिको मैड्रिड के एकेडमी से और कौन कौन ग्रेजुएट हो आप लोग जानते हो, डेविड डेहाया, ऑल्सो केपा अरिजाबालागा, ये दोनों भी, स्पेशली केपा अरिजाबालागा बोलने से भी ज्यादा बोलूंगा। केपा अरिजाबालागा मैंने गलत कहा है, केपा अरिजाबालागा बेसिकली एथलेटिक बिलबाओ के है। बट अगेन एथलेटिको मैड्रिड से डेविड डेहाया और थिबाओ कुर्तुआ, ये नाम बोलने वाला था थिबाओ कुर्तुआ, ये भी एथलेटिको मैड्रिड के एकेडमी से ही आए हैं। एंड दिस सेम प्लेयर has come from the same academy, और most probably ये थिबाओ कुर्तुआ के साथ शायद कुछ टाइम तक खेले भी होंगे क्योंकि 2008 के टाइम पे he was also there, so एथलेटिको के अंडर 19 से उठ के एथलेटिको मैड्रिड के सी और बी साइड में भी खेले है। उसके बाद उदालमेरिया, उसके बाद लियोनेजा, उसके बाद कार्टागेना, उसके बाद पॉनफेर दिया, उसके बाद लॉन्गनोरेस, उसके बाद बुर्गोस। सो अपना पूरा करियर इंडिया से आने के पहले उन्होंने स्पेन में ही बिताया है, इज अ आउट एंड आउट स्पेनिश प्लेयर, और उनका करियर का पीक भी स्पेन में ही बीता है। और अगर आप उनके करियर को डिवाइड करके देख लो, वो स्पेन के सेकेंड और थर्ड डिवीजन में ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा मैच खेल चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्ड डिवीजन में ही हैज प्लेड 138 मैचेस, सेकेंड डिवीजन में भी ऑलमोस्ट 40 मैचेस। और देखो सेकेंड डिवीजन अब लालीगा 2 बोलते हैं, पहले उसको लालीगा 2 नहीं ग्रुपो 1 व ग्रुपो 2 बोलते थे, जिसमें भी वो मैच खेले, तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ लॉट ऑफ मैचेस उन्होंने सेकेंड डिवीजन में खेला है। मोस्ट प्रोबेबली उनका पूरा ही करियर शायद सेकेंड डिवीजन में ज्यादा बीता है, कप कोपा डेल रे भी उन्होंने खेला है, एंड ऑल्सो प्लेइंग द फासे दे असेंसो जो उनका कप टूर्नामेंट होता है। सो ही हैज अ होल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेनिश फुटबॉल, गोल्स भी मारते हैं इन हिज टेन्योर, 13 गोल्स मारे हैं इन हिज होल करियर। सो एक लॉ सेट पीस में वो एक प्लेयर हो सकता है क्योंकि 1.85 मीटर उनका हाइट है, सो ही इज एसेंशियली प्रीटी टॉल, सो उनके हेल्प के ये बहुत बहुत ज्यादा आता है वो टॉल है, सो सेट पीसेस में बहुत डिफेंसिव और ऑफेंसिव सेट पीसेस में वो टीम के लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। और जो गाइस इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने फिर से क्यों बहुत लोग नहीं थे जब लास्ट में अनाउंसमेंट किया, तो मैं और एक बार अनाउंसमेंट कर देता हूँ, वीडियो के लास्ट तक वेट कर जाना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट मैं जाबाको के बारे में बताऊंगा। तो अब आते हैं और एक पार्ट में इस वीडियो के कि कितने साल का डील, 2 पार्ट का। अब उनके थोड़े से डिटेल प्लेयर एनालिसिस के बारे में बोलते हैं, किस पोजीशन में खेलते हैं तो मैंने बोल दिया, कैसे खेलते हैं ये भी जानना जरूरी है, इंजरी रिकॉर्ड कैसा है, इंजरी रिकॉर्ड इज गुड, 1-2 क्रैम्प मिले थे वो तो हर एक प्लेयर को लगता है। पिछला जो साल था वो लालीगा स्मार्ट बैंक में खेल रहे थे और लालीगा स्मार्ट बैंक के बुर्गोस एफसी उनके लिए वो खेल रहे थे, और जो जानते हैं लालीगा स्मार्ट बैंक क्या है, इट्स एक्चुअली द सेकेंड डिवीजन। सो पिछले साल वो सेकेंड डिवीजन लालीगा में खेल रहे थे और उनकी टीम थी बुर्गोस एफसी, अगर अच्छी खेलती तो शायद उनको एक लालीगा क्लास डिफेंडर भी बोला जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइनिंग, ये बहुत अच्छा साइनिंग है, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई क्वेश्चन है, नथिंग, इट्स अ प्रॉपरली वेरी गुड साइनिंग। पिछले 2 साल वो खेल रहे थे इन द सेकंड डिवीजन, 31 मैचेस उन्होंने खेले हैं, और देखो पिछले साल थोड़ा सा बैकअप वाला रोल था, बट उससे पिछले साल हम जो देखेंगे कि प्लेयर टर्म्स ऑफ मैचेस कोपा डेल रे, जहां पे टॉप क्लब रियल मैड्रिड बार्सिलोना जैसे खेलते हैं, वहां पे भी उन्होंने 2 मैचेस में फीचर किए थे क्योंकि उसके बाद उनकी टीम आउट हो गई थी, सो कांट टेल मच अबाउट दैट आफ्टर दैट। सो ये है उस प्लेयर का पूरा प्लेइंग डिटेल। प्लेयर एनालिसिस में ये प्लेयर बॉल प्लेइंग सीबीआर, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में कह रहा हूँ,
इसका पासिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, पासिंग एबिलिटी बहुत मतलब बहुत अच्छा है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, उनका पासिंग आप देखते हो, एक प्लेयर का नाम मैं बोलूंगा, अगर आप बहुत क्लियरली वर्जिल वैन डाइक का पासिंग रेंज देखो, वर्जिल वैन डाइक अपने हाफ से बहुत सारे ग्राउंड पासेज अपने मिडिल ऑफ द अटैकिंग थर्ड, जो ओपोनेंट का मिडिल ऑफ द अटैकिंग थर्ड होता है वहां से देते हैं। दैट इज वो एक देखो डिफेंसिव लाइन से एक ग्राउंड पास दे सकते हैं अपने अटैकर्स को टारगेट करके, और ग्राउंड पास, लॉन्ग पासेस तो है ही मिचेल जबाको के अच्छे, पर ग्राउंड पासेस भी ये दे सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी अबाउट हिम। वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे मिचेल जबाको के पास बॉल है, और समझ लो डी बॉक्स जो पेनल्टी बॉक्स है उसके बाहर एक प्लेयर खड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट का, मिचेल जबाको के पास वो एबिलिटी है, वो वहां से खड़े होकर उस प्लेयर को टारगेट करके तीन या चार प्लेयर्स के बीच से एक पास खेल सकता है और वो तक पहुंचेगा। इसको बोलते हैं लाइन ब्रेकिंग पासेस, और लाइन ब्रेकिंग पासेस मिचेल जबाको के पास बहुत अच्छे तरीके से है, जो इतने साल तक हम नहीं बोल सकते। डिलन फॉक्स बहुत अच्छे प्लेयर थे, बट डिलन फॉक्स कुडंट डू इट, डिलन फॉक्स वाज एन आउट एंड आउट सेंटर बैक, बट मिचेल जबाको इज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। इससे हमें क्या पता चलता है, इस साल उनके साथ हमें एक इंडियन प्रॉपर सेंटर बैक को खिलाना पड़ेगा जो आउट एंड आउट सेंटर बैक होंगे। आउट एंड आउट सेंटर बैक मतलब क्या बोलता हूँ, आउट एंड आउट सेंटर बैक मतलब वो डिफेंसिव सेंटर बैक होंगे, वो बॉल प्लेइंग नहीं होंगे, उनका बॉल प्ले उनका अच्छा नहीं होगा, बट मिचेल जबाको का होगा। ऑल्सो मिचेल जबाको के पास पेस ज्यादा नहीं है, इट्स अ नेगेटिव, बट मैं एसेंशियल नेगेटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो फुटबॉल खेलेगी दैट विल बी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल जबाको प्ले कर सकते हैं, वो प्रेशर के अंडर बॉल को लेके जब उनके ऊपर ओपोजिशन जैसे मुंबई सिटी एफसी या जैसे मोहन बगान जब प्रेस करेगी, वो एक अच्छा सा पास खेल के ही कैन रीच आउट टू द मिडफील्ड जोन और टू अ लो प्रेशर जोन जहां पे बॉल लेके प्लेयर भाग सकते हैं। सो इट इज अनदर क्वालिटी ऑफ मिचेल जबाको विच इज वेरी गुड। और एक एबिलिटी है जो मिचेल जबाको के बारे में मैं बोलूंगा, मिचेल जबाको के पास जब वो लेफ्ट बैक के पोजीशन में शिफ्ट करते हैं, समझ लो एक टाइम आ गया है टीम ज्यादा डिफेंसिव फुटबॉल खेलेगी, दोनों ही सेंटर बैक पिच में है और टीम का फॉर्मेशन आप फोर मैन बैकलाइन ही रखना चाहोगे, तब आप उनको एज ए लेफ्ट बैक भी यूज कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट बैक के पोजिशन में प्रॉपर सॉलिडिटी देते हैं। उनका एक स्किल जो मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है वो है उनका बॉल इंटरसेप्शन स्किल, वो देख सकते हैं कहाँ पे बॉल आता है और उसको वो रिकवर कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट द प्लेयर। सो एक चीज है जिसको ये टीम फॉलो करनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप ऐसे बोलो रोका एनएफसी नॉटिंग अटैकिंग मिडफील्डर खरीदेगा, राहुल जरूर खरीदेगा, कोई डाउट मत रखना। कुछ कमेंट ले लेते हैं फैंस के, उसके बाद फैंस बोलना बहुत गलत है, यहाँ के व्यूअर्स के कमेंट ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो जहाँ पे हम और थोड़ा प्लेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सो भाई जुड़े रहना, ओक बचे चांस है 50% है, विल देयर बी एनी इंडियन स्ट्राइकर जरूर रहेगा, हर एक टीम के पास रहता है, इस टीम के पास भी रहेगा। हु इज आवर न्यू एम मैं नहीं जानता, जब न्यूज आएगा मैं करूंगा। विजय दास एनी जमशेदपुर न्यूज स्पेशली फॉरन है, स्टेफानोविच के बाद और कुछ न्यूज मेरे पास नहीं है, और इथ्रो जब आएगा जरूर ले आऊंगा। नेक्स्ट सीएफ एनयूएफसी एनी आइडिया, राइट नाउ नो आइडिया, जब आएगा मैं जरूर बोलूंगा। इंडियन होगा फॉरेनर, देखो इब्सन मेलो आ चुका है और एक फॉरेनर साइनिंग होगा, एक इंडियन होगा और एक फॉरेनर सेंटर फॉरवर्ड साइनिंग होगा। सो मेरे हिसाब से ओगबेचे को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइन नहीं करना चाहिए, मुझे भी यही लगता है। गो फॉर सम यंग प्लेयर्स, योर व्यूज ऑन पंजाब एफसी एज अ टीम, पेपरमिंट मैं इस वीडियो को लेके आऊंगा, जब तब डिस्कस करेंगे, वी विल डू अ स्पेशल वीडियो ऑन पंजाब एफसी, कोई डाउट मत रखना। हो भाई 11 बजे लाइव नहीं आ रहे हो, भाई लाइव आ चुका हो 11 बजे, क्या बात बोल रहे हो। एफसी गोवा का न्यूज क्या है भाई, एफसी गोवा का कुछ न्यूज मेरे पास राइट नाउ नहीं है, कुछ न्यूज वैसे एफसी गोवा का है नहीं, जब तक एल्वारो वेस्केस या जब तक फारेस को नहीं जाते, कोई नया प्लेयर नहीं आने वाला भाई, ऑलमोस्ट डन डील, मुझे ये डील जमा नहीं। मंदार इज कुकिंग फॉर एनएफसी, एक्चुअली अ वेरी गुड साइनिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लेयर फॉर एनएफसी, आई डोंट नो एनी एफसी फॉरेन अपडेट रदर देन कोनर शील्ड एजे मरे, राइट नाउ देर इज नो न्यूज अपार्ट फ्रॉम कोनर शील्ड एजे मरे, क्योंकि क्रिवालेरो का न्यूज मोस्ट प्रोबेबली फेक न्यूज है या फेक रूमर है। लोग करण दीक्षित आएगा या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली देखो भाई करण जब बोलेगा तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि करण के साथ हमें जब लास्ट बार बात हुई थी उनके लोन होने वाली थी उनके ट्रायल, उसके बाद और कोई डील नहीं आया। जबाको डिनाइड द ऑफर ऑफ एमसीएफसी, दैट्स क्रेजी। देखो कुछ तो जरूर प्रॉमिस किया होगा टीम ने उसके बाद, क्योंकि एमसीएफसी ने 3 को उसके बाद खरीदा है। 11 बज रहे हैं भाई, मैं तो लाइव में ही हूँ भाई, ये क्या बात हुई। दिनेश सिंह माइट बी द ऑप्शन टू प्ले अलोंगसाइड माइकल जबाको, दिनेश सिंह नहीं, माइकल जबाको के साथ मोस्ट प्रोबेबली कोई आईएसएल क्लास फॉरेनर ही खेलेगा। क्या नजर टू एनएफसी एनी चांस, नो चांसेस, मोहन बगान उसको अगर लोन में भेजती है तब हो सकता है, बट मोहन बगान शायद कियान को लोन में ना भेजे, बट अगर भेजती है आई विल मेक अ न्यूज। विक्टर इज जॉइनिंग एफसी गोवा इज राइट, भाई हो चुका है डन डील। सो हाउ गुड जेएफसी हैव सीन साइन ऑल 6 फॉरेनर हु विल बी सून अनाउंस। देखो भाई एक तो देखो साहिल, पहला जो साइनिंग हो चुका है दैट इज स्टेफानोविच,
दैट इज अ टॉप क्लास साइनिंग. मैंने तो उस साइनिंग को इंडिया का बेस्ट आईएसएल का बेस्ट फॉरेन साइनिंग इस सीजन का बोला था. बहुत लोग बोले थे भाई क्यों जेसन कमिंस को नहीं बोल रहे, बट उसका प्लेयर का क्वालिटी बहुत अच्छा था. देयर इज ऑलवेज डैनियल चिमाचुकू. सो बाकी चार भी जब आएंगे मैं जरूर न्यूज लेके आऊंगा. दिनेश सीबीआई या फुल बैक, हाइब्रिड सेंटर बैक, हाइब्रिड फुल बैक. और इस हाइब्रिड सेंटर बैक और हाइब्रिड फुल बैक से मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा अबाउट दिस प्लेयर, वो है मिचेल जबाको. वो है मिचेल जबाको भी एक हाइब्रिड प्लेयर ही है. वो सेंटर बैक मेनली खेलते हैं, बट अदरवाइज अगर सेंटर बैक ना हो वो आके कॉन्वर्टेड लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी एक प्लेयर के अंदर हो सकती थी, है उनके पास. सो इट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट इज प्रेज वर्दी अबाउट मिचेल जबाको. सो मिचेल जबाको के बारे में मैं बहुत सारी तारीफ कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे ये प्लेयर बहुत बहुत अच्छा लगा है. क्योंकि देखो भाई, ये प्लेयर पिछले साल तक सेकंड डिवीजन में खेल रहा था. और एक चीज भी मेरे उनके बारे में बहुत अच्छी लगी, वो है उनका रिसीविंग. हम देखते हैं ऑफन इंडियन फुटबॉल में एक सेंटर बैक जब खड़ा होता है ना, सेंटर बैक के पास पास आ जाता है बहुत ज्यादा पेस से, वो बॉल कंट्रोल नहीं कर पाता, गोल कंसीड कर देता है. प्रीतम कोटाल बहुत सारे गोल ऐसे कंसीड करते थे. पिछले साल ब्रेंडन हैमिल ने भी गोल ऐसे कंसीड किए थे. और एक मैच में मुझे याद है जहां पे जो बेंगलुरु एफसी का सेंटर बैक था वहां पे भी फंबल्स तो एक होते थे. गोल हुआ कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट फंबल्स होते थे. सो ये प्लेयर मिचेल जबाको इतना ज्यादा टेक्निकली अच्छा है ना, इसको आप जितने जोर से पास दो, जिस एंगल से पास दो, जिस भी क्रिएटिविटी से पास दो, इससे इसके पैर से मिस पास होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम. सो इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई लव अबाउट हिम, कि उसके पास वो एबिलिटी है समझने का कि वो कैसे किन एंगल से बॉल आ सकता है, और उनका गेम रीडिंग एबिलिटी कि ये प्लेयर कैसा डेंजर क्रिएट कर सकता है. ये ना एक प्रॉपर जब प्लेयर होता है ना, वो देख के समझ सकता है कि ये प्लेयर अब इन स्टेप लेगा या आउट स्टेप लेगा, ये इसका ये पैर स्ट्रांग है तो मैं इसको इस साइड में ले जाऊंगा. सो ऐसे चीजें बहुत हेल्प करती है. सो यही चीजें मिचेल जबाको कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी कैलिबर के प्लेयर है. एक चीज समझो, मिचेल जबाको एक बहुत ज्यादा बड़े कैलिबर के प्लेयर है. शायद इंडियन फुटबॉल में आ रहा है, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ बिग नेम ही इज. So, इसको समझना पड़ेगा, ही इज अ वेरी बिग नेम. सो उनको उनको ऐसे ही यूज करना विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. सो मुझे यही लगता है कि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ ही डज द होल थिंग, जहां पे वो कंट्रोल कैसे करते हैं गेम को, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है गेम को कंट्रोल करने का. हाउ डू यू रेट दिस साइनिंग? 10 out of 10. बहुत अच्छी साइनिंग है ये, जेन्युइनली अच्छी साइनिंग है. देखो कैसा खेलेगा तो मैं नहीं बोल सकता, बट ये बोल सकता हूँ उनका गेम प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सेंटर बैक लाइन को सिर्फ लीड नहीं करेंगे डिफेंसिवली, वो उनके फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक भी होंगे, वो फर्स्ट मैन ऑफ अटैक होंगे, उनसे ही अटैक शुरू होंगे इन अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉलिंग टीम. वेर इज रीगन सिंह? आई डोंट नो रूपम, जब पता चलेगा आई विल एब्सोल्युटली डू इट. कैसा का है पब्लिक? पापा पेरेस बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा. कैसे हो भाई, कहाँ पे रहते हो? मे बी बहुत प्रॉब्लम, शायद कॉलेज या बाकी चीजों का प्रेशर होगा, बट गुड लव टू सी यू बैक भाई. ऐसे ही आते रहो, अच्छा लगता है. Known faces. Kian Nazri, खेलना हो अपडेट, NUFC sign. Loan deal में मोहन बगान छोड़ सकती है. इसके ऊपर मैं शायद वीडियो भी ले आऊ, पर राइट नाउ नहीं ले आऊंगा, बाद में ले आऊंगा, कल शायद ले आऊ. बट इसके बारे में बहुत कुछ बात करना पड़ेगा, किस पोजीशन में खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, किस प्रॉमिस से, क्योंकि मोहन बगान उस प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट में वैसे नहीं छोड़ेगी अगर नॉर्थ ईस्ट उनको गेम टाइम का गारंटी नहीं देती. अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कैसे उनको गेम टाइम की गारंटी देगी, किस फॉर्मेशन में खिलाएगी, सब कुछ बोलूंगा, बट आज नहीं, आज नहीं, कल को, कल दोपहर या कल रात को. गारंटी नहीं देता किस वक्त, बट कल जरूर किया नसरी का वीडियो ले आऊंगा अगर खेलना उन्हें रिपोर्ट किया है, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद ट्विटर नहीं देखा. अगर उसके बाद न्यूज आए मे बी आई एम नॉट फॉलोड, बट अगर हुआ है आई विल एब्सोल्युटली कम. अरूप, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ. सो होपफुली खेलना उन्हें दिया है एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो. सो हाउ वुड यू थिंक इमरान फिट इन जमशेदपुर? साहिल, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इमरान. इमरान का वीडियो मैंने बहुत दिनों से बनाने की सोच रहा था, बट उसके बाद मैं बना नहीं पाया. बट इमरान तो एम मतलब अटैकिंग मिडफील्ड में ही शूट करेगा, बट अगेन क्या अटैकिंग मिडफील्ड में फॉरेन प्लेयर्स ना खिला के जमशेदपुर खेलेगी, हमें देखना पड़ेगा. CFC 3 इंडियन प्लेयर साइनिंग आयुष, भाई इसका वीडियो मैंने आरंभ बहुत पहले ही कर दिया था. मैं तो पूछ भी रहा था आप कहाँ हो उस वीडियो में. सो बिकॉज साई कृष्ण और आप रहते हो चेन्नई वीडियो, सो मैंने आयुष का वीडियो कर दिया है, वो वीडियो देख लेना. अगर कोई क्वेश्चन है कल पूछ लेना, नॉट अ प्रॉब्लम. गौरव बोरान, जबाको विल प्ले एज अ सेंटर बैक. गौरव बोरा खेल सकते हैं, गौरव बोरा इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ये समझना पड़ेगा गौरव बोरा के कुछ क्वालिटी जबाको के साथ बहुत सारा मिलते हैं. और आप एक ही टीम में अगर दोनों प्लेयर को एक ही पोजीशन में खिला दो, दो बॉल प्लेइंग सी भी, तो टीम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर दोनों के पास पेस ना हो. एंड जबाको डजंट हैव द पेस, बट गौरव बोरा डज हैव. सो कैसे खेलेंगे, वी विल हैव टू सी इन अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉलिंग टीम. दो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक कैसे खेलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको हमें देखना पड़ेगा व्हेन द टीम लीग स्टार्ट्स. एंड ऑल्सो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के हेल्प के अलावा ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा. सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो इसके बाद आते हैं तो रूपम सिंह, क्या गौरव बोरा के साथ जो जोहरलियाना को गेम टाइम मिलेगा इस बार? गौरव बोरा को मिल सकता है, बट जोहरलियाना में देखना पड़ेगा क्या फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखो गौरव बोरा इज राइट नाउ द बेस्ट ऑफ देम.
ये जैकबसन भी साइन कर रहा है लेकिन वो नहीं चला। देखो जैकबसन को भी साइन किया था वो नहीं चला। जैकबसन के साथ इस प्लेयर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये समझना पड़ेगा। दिस प्लेयर इज अ प्रॉपर सेकेंड डिविजन लालीगा सेगुंडा प्लेयर, सो इसके साथ बहुत डिफरेंस है, सेम नहीं होंगे, सो क्वालिटी डिफरेंट होंगे ब्रो। प्रॉब्ली हितेश इज वन ऑफ देम, देखना पड़ेगा हितेश होता है कि नहीं, क्योंकि देखो हितेश शर्मा को लेके ईस्ट बंगाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बट हमें ये पता चला मार्कस ने बोल दिया कि हितेश ईस्ट बंगाल नहीं जा रहा है, देयर इज नो कॉन्टेक्ट। तो शायद चेन्नई हो सकता है बिकॉज हितेश क्लब छोड़ने वाला है जितना मुझे पता है। तो लेट्स सी। एलेबिना सांगमा सिंह माइकल जबा को लॉन्ग रेंजर भी मारता है क्या? ना नो। देखो उनका अटैक मोस्टली उनके जो गोल्स होते हैं वो सेट पीसेस से आते हैं, वो फ्री किक्स बोलो कॉर्नर्स बोलो, इनडायरेक्ट फ्री किक और कॉर्नर्स से उनके गोल्स आते हैं, मोस्टली ड्यू टू हेडिंग। और ये एक बहुत अच्छी बात एलेबिना ने कही है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा और भी एलेबोरेट कर देता हूँ। इस प्लेयर का हेडिंग एरियल एबिलिटी बहुत अच्छा है। देखो गोल मार सकता है, मैंने पहले ही बोला तो उससे आप लोग समझ ही होंगे, बट मैं वैसे भी बोलता हूँ डिफेंसिवली इज ऑल्सो वेरी गुड। आप उनके साथ अगर आप कोई उनको लॉन्ग बॉल खेल के परेशान करने की कोशिश करें, ही कैन स्टॉप देम। BFC इंडियन डिफेंडर एनी अपडेट? देखो भाई होर्मीपाम के लिए BFC इज इंटरेस्टेड, ये मुझे आज तक पता चला है कि होर्मीपाम रुइवा कैन कम टू BFC क्योंकि संदेश जिंगर के रिप्लेसमेंट वो लेंगे। भाई नॉर्थ ईस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रिंग गुड फॉरेनर्स, बट ये दुख की बात होती है एक साल बाद उनसे वो छीन लिया जाता है एंड दे डोंट डू एनीथिंग। ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट के साथ, दे शुड होल्ड ऑन टू देयर बेस्ट प्लेयर्स। ईशान पंडित अपडेट, केरला ब्लास्टर्स लीडिंग। माइकल जबागो कैसे हो गया, कैसा खेलेगा? भाई जीवेश्वर ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा फिर से जाके देख लेना, मैंने पूरे वीडियो में बोल दिया है कैसे खेलेगा, दो पार्ट्स में बोल दिया है, सो प्लीज प्लीज फॉलो इट। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू अवर शो जीवेश्वर, प्लीज ऐसे ही आते रहना। NUFC फॉरेन साइनिंग कौन कौन कंफर्म हुआ है अपार्ट फ्रॉम इप्सन मेलो एंड माइकल जबागो? राइट नाउ कोई नहीं, रोमन है, सो तीन प्लेयर्स है, तीन प्लेयर्स आएंगे। राहुल NUFC को यंग फॉरेन स्ट्राइकर लेना चाहिए, देखते हैं ये न्यूज कितना सच है। अगर अगर ये आ चुका है इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली होप विटा दानी नाउ फॉर हाई बजट प्लेयर्स। देखो भाई हाई बजट प्लेयर्स तो आए हैं, ऐसा नहीं है कि चेन्नई बुरा टीम बना है, पिछले कुछ सालों से तो अच्छा ही टीम है, प्रूवन टीम है। अब देखना पड़ेगा टीम कैसी खेलती है। ओगबचे के बारे में कल बात करें क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा खींच चुका है, कल बात करते हैं इसके। जेनिथ स्वरूपम NUFC साइन इशू साइन रिगन सिंह इज अ वेरी नाइस प्लेयर, देखना पड़ेगा कहाँ पे खेलता है, मेरे पास न्यूज नहीं है उतना। फारूक बैक इन फॉर्म, इगोर ऑल्सो लव हिम, वर्क्स फॉर द नेशनल टीम। देखो भाई फारूक चौधरी एक टाइम पे इंडियन नेशनल टीम का रेगुलर नाम था कि उसके वर्क रेट की वजह से, बट अब इंडियन टीम थोड़ा सा अलग अलग वे में खेलता है, अब इस टीम में कितना सूट करेगा देखना पड़ेगा। थ्री बेस्ट इंडियन प्लेयर्स फॉरेनर NUFC साइन खेलना उन्हें बोला। थ्री बेस्ट इंडियन प्लेयर्स में मैं एक तो नाम बोल ही देता हूँ, रिदीम तलांग हो चुका है, और दो होंगे, जो भी होंगे जब भी होंगे मैं जरूर लेके आऊंगा, देखते हैं अब ये एक क्या होता है देखना पड़ेगा। FC गोवा का फॉर्मेशन कैसा होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा FC गोवा का भी। शुभदीप ये न्यूज मुझे ले आना पड़ेगा, ये न्यूज मैं जब ले आऊंगा आई विल टॉक अबाउट इट। अब उस बात के कोई फायदा नहीं है। गौरव और NUFC आदि भाई इतना हार्श मत हो बिकॉज ही इज अ वेरी यंग बॉय, अभी भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, ही कैन डेवलप। ओगबेचे बिकमिंग बेस्ट फुटबॉलर इन चेन्नई इंडिया, ट्रेवलिंग वाइब्स, थैंक यू फॉर सेइंग दिस, ऐसे ही भाई जोश भराते रहो, थैंक यू भाई। और ऑल्सो रोज आते रहना, कमेंट करते रहना, और कुछ न्यूज जानना हो तो वो भी बोलना, करेंगे भाई। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ब्रो। बिनाली कौन सा फॉर्मेशन आईएसएल स्टार्ट करेगा? भाई देखो उसका फेवरेट फॉर्मेशन तो 4-3-3 होता है, बट यहाँ पे क्या फॉर्मेशन ट्राई करेगा देखना पड़ेगा। ईशान पंडिता डील डिपेंड्स ऑन ओएन कॉल, जब होगा मैं जरूर न्यूज करूंगा। अरहम टिल नाउ वॉचिंग ट्रांसफर मार्केट डील, विच थिंग यू कम एज अ सरप्राइज फॉर टॉप टीम्स लाइक मुंबई मोहन बागान? देखो भाई मुंबई मोहन बागान ने इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज जिस टीम ने किया है वो है ओडिशा FC, एक के बाद एक सरप्राइज तो ला ही रहे हैं, एंड ऑल्सो स्टेपानोविच वाला ट्रांसफर भी एक सरप्राइज ही था मेरे लिए, सो ओवरऑल वेरी गुड। अमर सिंह एनी इंडियन प्लेयर्स मूव फॉरेन क्लब्स? ऑलमोस्ट नो। आकाश मिश्रा जाने वाले थे एक साल पहले बट कोविड ने रोक लिया, अदरवाइज नो। हाई ब्रो, ओके भाई, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी कब कर लिया भाई, अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रोवर्सी किया होगा मैं खुश हूँ भाई, अगर मेरा नाम आता वाता है TV में कॉन्ट्रोवर्सी करके। हीरा मंडल पोजिशन लेफ्ट बैक। सो गाइज आज इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, बहुत सारे लोग आए थे ज्वाइन किए थे। गाइज एक काम कर लेना, इस वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक ग्रुप में नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड। और एक काम कर लेना वो है इस वीडियो को शेयर करने के अलावा भी इस वीडियो को एक लाइक मार देना, और अगर एक एक चीज पॉसिबल हो तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज वी डिपेंड अ लॉट ऑन यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। सो गाइज थैंक यू। नौशाद मूसा कब गुवाहाटी में आ रहे हैं? भाई नहीं जानता भाई, ये सब न्यूज एक जर्नलिस्ट ही बोल सकता है, नॉट अ ट्रांसफर एनालिस्ट। सो ट्रैवलिंग वाइब्स, आई ऑलवेज वॉच योर लाइव सेशंस, थैंक यू ट्रैवलिंग वाइब्स, कमेंट करने के लिए थैंक यू। एंड गाइज चलो आज के लिए इतना ही। अमल मैंने कमेंट पढ़ा है एंड इट्स ए बिग न्यूज,
कल मिलूंगा दोपहर को, किया नजरी वाला थोड़ा देख लूं, अगर होता है तो जरूर लेके आऊंगा। ट्रांसफर्स होंगे एक के बाद एक और न्यूज भी आते रहेंगे एंड ऑल्सो